गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 3 विषय गणित में आज हम अभ्यास 1.2 से पहले पेज पर यानी 7 नंबर पेज पर 101 से 200 तक गिनती व 201 से 300 तक गिनती दी हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए, आगे की गिनती सीखने से पहले एक बार हम फिर से 1 से 100 तक गिनती को देखते हैं। तो आप इससे पहले की कक्षा में 1 से 100 तक गिनती लिखना बोलना सीख चुके हैं, संख्याओं की आपको अच्छी तरह से पहचान है। तो अब इसमें देखिए, जैसे 1 से ये 9 तक जो संख्याएं हैं, इसमें क्या है, एक ही अंक है ना, इसके साथ और कुछ भी नहीं है। जैसे 1 ये भी अकेला है, 2 ये भी अकेला है, 3 भी अकेला है, यानी 1 से ये जो 9 तक गिनती है, इसमें जितने भी अंक हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी एक अंक वाली संख्या है। इसी तरह से आगे देखिए, जैसे 9 के बाद में क्या आ जाता है, 10। अब ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक है ना इसमें, ये 0 और 1, 2 अंक हो गए। तो हम जानते हैं कि जो 0 है ये किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, और ये जो अंक 1 है ये किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, यानी इसमें 0 इकाई और 1 दहाई है। तो अब इसमें 0 इकाई है तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, और 1 दहाई तो दहाई का मतलब कितना होता है, 10। यानी जब 10 चीज़ें हम मान लीजिए इकट्ठे कर लें तो वो क्या बन जाती है, 1 दहाई बन जाती है। तो दहाई का मतलब 10 वस्तुएं हैं। तो आगे देखिए, जैसे 10 के बाद में 11, अब इसमें इकाई कितना है, 1, और दहाई के स्थान पर कितना है, 1 है, यानी 1 दहाई है और 1 इकाई है। तो 1 दहाई से कितना हो जाएगा मान इसका, 1 दहाई है यानी इसका मान है 10, तो यानी 10, 1, 11। इसी तरह से जैसे ये 16 है तो अब इसमें इकाई है 6 और दहाई के स्थान पर कितना है, 1, तो 1 दहाई का मान कितना हो गया, 1 दहाई से बन गया 10, और इसमें 6 इकाई मिल गई तो संख्या क्या बन गई, 10+6 यानी 16 बन गया, 10, 6, 16। अब इसी तरह से जैसे ये संख्या देखिए कितना है, 54, अब इसमें इकाई कितना है, 4, और दहाई का अंक कौन कितना है, 5 है, यानी 5 दहाई है। तो 5 दहाई से कितना हो जाएगा, 50, और 4 और मिला देंगे 50, 4, 54, ये संख्या बन जाएगी। अब देखिए आगे जितनी भी है 99 तक, इन सभी संख्याओं में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, वही ये वाला इकाई और ये दहाई। अब देखिए 99 के बाद में क्या आ गया, 100, अब इसमें देखिए कितने अंक हैं, 3 हैं, है ना, 1, 2, 3 अंक है इसमें, 3 अंकों की संख्या है ये। तो अब इसमें ये जो 0 है ये किस स्थान पर है, ये इकाई, ये वाला दहाई, और ये जो 1 है ये किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो अब इसमें इकाई और दहाई तो 0 है, कुछ नहीं है, और सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 1 है, तो सैकड़ा का मतलब 100, यानी 1 सैकड़ा है तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब आगे देखिए, जैसे अपने 100 में जैसे ये है 100 है, अब इसमें 1 मिला दें, 100 में 1 मिला दें तो कितना बन जाएगा, 101, तो किस तरह से लिखेंगे अपने, इस तरह से। अब देखिए इसमें सैकड़ा क्या था, 1, दहाई वही कितना रहेगा, 0, और इकाई के स्थान पर 1। इसी तरह से जैसे 100 में अपने 5 मिला दें तो 100 में 5 मिलाने पर कितना बन जाएगा, 100 में 1 मिलाया तो 101, 100 में 2 मिलाया तो 102, 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, और 100 में 5 मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 105। अब देखिए जैसे 100 में अपने मिला दें 23 जोड़ना हो तो 100 में 23 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 123, यानी अब इसमें देखिए सैकड़ा कितना, 1, और आगे 23, तो दहाई के स्थान पर कितना है, 2, और इकाई के स्थान पर 3, तो संख्या बन गई 123। अब जैसे इस चार्ट को देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है ये, तो अब ये संख्या क्या है, 101, फिर ये 102, ये 103,
ये 104, 105, ये 106, ये 107, ये 108, ये 109 और ये 110. 110 में फिर एक जोड़ेंगे तो ये 111, 112, 113 इस तरह से बनता जाएगा. फिर देखिए जैसे ये 119, 119 के बाद में क्या आ जाएगा, 120. तो अब इसमें देखिए, मान लीजिए आप इसको सैकड़ा के स्थान को अगर छोड़ दें तो बाकी आपकी वही गिनती है 1 से 100 तक वाली. जैसे आप देखिए ये जो 1 से 100 तक गिनती है, अब इसमें अगर अपने सैकड़ा के स्थान पर, तो इसमें देखिए सैकड़ा के स्थान पर अगर अपने 1 लिखते हैं, जैसे ये 11 है, अब इसमें ये इकाई, ये दहाई और सैकड़ा के स्थान पर लिख दिया 1, तो 1 सैकड़ा यानी 100 और आगे कितना है 11, 111 बन गया. फिर देखिए ये 12 है, तो अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर 1 लिख दें तो 1 सैकड़ा यानी 100 बोला जाएगा इसको. सैकड़ा के स्थान पर 1 है, सैकड़ा का मतलब 100, तो सैकड़ा कितना है इसमें 1 है तो 112. अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर 1 लगा देंगे तो ये 113, ये 114 बन जाएगा, ये 115, ये 116, ये 117, ये 118, 119 और ये बन जाएगा 120. इसी तरह से 21 वाली ये जो लाइन है, अब इसमें इकाई दहाई के अंक तो हैं, सैकड़ा के स्थान पर अपने 1 लिख दें तो ये बन जाएगा 121. अब इसके स्थान पर अगर मैं सैकड़ा पर अब 1 लिख दिया तो ये बन गया 125. तो इसमें अब सैकड़ा के स्थान पर 1-1 लिखते जाएं तो अपने वही बन जाएगी 101 से आगे 200 तक वाली गिनती. इस तरह से 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 इस तरह से. लेकिन अब इसमें देखिए जैसे ये 10 है तो ये भी 2 अंकों की संख्या ना, इकाई दहाई. अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर यानी 10 से आगे, जैसे ये 10 है इसके आगे सैकड़ा के स्थान पर, इधर से ये पहला दूसरा तीसरा नंबर है जो, इसके स्थान पर 1 लगा दिया तो ये बन गया 110. लेकिन 1 से 9 तक जो अंक है वो 1 अंक की संख्या है, अब इसमें दहाई नहीं है तो दहाई के स्थान पर 0 और फिर सैकड़ा के स्थान पर अपने 1 लगाएंगे तब ये बनेगा 101. इसी तरह से अब ये 2 है तो ये इकाई के स्थान पर, अब अपने इसमें इधर दहाई के स्थान पर 0 और इधर सैकड़ा के स्थान पर 1 लिखेंगे तो ये 102 बन जाएगा. इसी तरह से जैसे लास्ट वाली लाइन देखिए 191, 192, इस तरह से ये 199, 199 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, फिर 200 बनेगा. तो सैकड़ा के स्थान पर कितना आ जाएगा, फिर इसमें 200 आ जाएगा. तो आगे जैसे इसमें देखिए ये 121, 122, 123, 124, 125 इस तरह से. अब लास्ट वाला ये क्या आ जाएगा, 129 के बाद 130. इसी तरह से 130 में 1 जोड़ेंगे तो अगली लाइन आ जाएगी 131 वाली, 132, 133, 134 इस तरह से. और लास्ट में जैसे 139 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 140, फिर 140 में 1 जोड़ेंगे तो 141 अगली लाइन शुरू हो जाएगी, 142, 143 इस तरह से. 149 में 1 जोड़ देंगे तो फिर 150. इसी तरह से अब देखिए ये 151 वाली लाइन हो जाएगी, 152, 153, 154, 155 इस तरह से चलेगी और लास्ट में 159 में 1 जोड़ने पर 160 बन जाएगा. फिर 160 में 1 जोड़ेंगे तो अगली लाइन 161, 162, 163 इस तरह से. और फिर लास्ट में 169 इसमें 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 170. फिर 170 में 1 जोड़ते अगली लाइन 171, 172, 173, 174 इस तरह से चलती जाएगी और 179 में 1 जोड़ने पर बन जाएगा 180. फिर उसमें आगे अगली लाइन देखिए 181, 182, 183 इस तरह से. लास्ट में ये 189 और इसमें 1 जोड़ने पर ये बन जाएगा 190. फिर 191, 192 इस तरह से. अब देखिए ये आ गया 199. जैसे 1 से 100 तक की गिनती में ये क्या है, 2 अंकों की संख्या 99 है ये, इसमें 1 जोड़ने पर अगली संख्या क्या बन जाती है 100. इसी तरह से जो 101 से वाली गिनती है, अब इसमें देखिए यहाँ पर 199 आएगा, 199 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 200. सैकड़ा के स्थान पर कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा. अब इसी तरह से आगे फिर देखिए पेज नंबर 7 पर ही उससे नीचे दिया हुआ है 201 से
300 तक गिनती है, तो ये कंप्लीट नहीं है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 201 तो यहाँ कितना आ जाएगा 202, फिर यहाँ पर 203, ये 204, फिर 205, ये 206, 207, 208, ये क्या बन जाएगा 208, फिर ये 209 और 210, यानी यहाँ पर अब 9 है और 9 के बाद आ गया 10 और सैकड़ा के स्थान पर 210। फिर अगली लाइन क्या आ जाएगी, 11 वाली लाइन है, तो सैकड़ा के स्थान पर अब 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 211। फिर 212, 213, 214, 215 लिखा हुआ ही है, फिर 215 के बाद 216, इस तरह से लिखते जाएंगे। और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा 220, 220 से आगे फिर अगली लाइन क्या आ जाएगी 221, 21 वाली लाइन है ना 200, फिर 22, 223, इस तरह से चलती जाएगी। और यहाँ पर 229 के बाद क्या आ जाएगा 230। फिर देखिए अगली लाइन क्या हो जाएगी, 30 के बाद 31 वाली लाइन, तो 231, 232, इस तरह से चलती जाएगी, 237, 238, 239 और लास्ट में 240। फिर उससे अगली लाइन यहाँ पर 241 वाली, जैसे अपने 101 वाली गिनती में भी थी 141 वाली, तो अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 241, 242, 243, 244, इस तरह से। और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 250। फिर अगली लाइन 251 वाली, ये चलती जाएगी और लास्ट में 260 आ गया। फिर उससे अगली लाइन 261 की, फिर 262, 263, इस तरह से चलती जाएगी ये। और यहाँ क्या आ जाएगा 270। फिर उससे अगली लाइन देखिए 271, 272, ये चलती जाएगी। यहाँ पर 280, फिर 281 वाली लाइन, और यहाँ पर 290, फिर यहाँ पर 291 वाली लाइन, और लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या आएगा 300 से पहले 299, 299 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300। यानी देखिए जैसे ये संख्या है 12, 12 है ये। अब इसमें अगर मैं सैकड़ा के स्थान पर, जैसे ये तो क्या है इकाई, ये स्थान इकाई होता है, ये स्थान दहाई, दो अंकों की संख्या है, तो इसमें ये इकाई और ये दहाई, तो ये है 12। अब इसमें इधर ये जो स्थान, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ एक, स्थान कौन सा है सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर एक लिखा, तो ये 12 से फिर क्या बन जाएगा 112 बन जाएगा। संख्या पहले क्या थी 12, और फिर इसमें सैकड़ा के स्थान पर एक लिखी जाए, तो ये बन गया 112। अब जैसे मान लीजिए ये है 62 है, अब इसमें जैसे ये इकाई, ये दहाई और सैकड़ा के स्थान पर एक लिख देंगे, तो ये है क्या बन जाएगा 162। इसी तरह से जैसे ये 99 है, अब इसमें मैं सैकड़ा के स्थान पर एक लिख दूं, तो इसे क्या बोलेंगे अपने, सैकड़ा के स्थान पर एक है, तो यानी 100 सैकड़ा, इसका मतलब कितना है 100, तो सैकड़ा, ये स्थान सैकड़ा है, इसके स्थान पर एक है, तो इसके साथ क्या बोलेंगे अपने 100। जैसे यही अब 99 है, इसमें अगर मैं सैकड़ा के स्थान पर क्या लिखूं 2, तो 2 सैकड़ा के स्थान पर है, तो ये क्या बोला जाएगा 200। और जैसे 199 है, जैसे देखिए 99 है, तो 99 से अगली संख्या एक जोड़ने पर 99 के बाद में क्या आ जाता है 100 आ जाता है, 99 के बाद में 100। इसी तरह से जैसे ये 199 है, तो इसमें एक जोड़ते ही क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। और जैसे अब 99 के आगे जैसे सैकड़ा के स्थान पर मैंने लगाया 2, तो ये 299 बन गया, और इसमें एक जोड़ते ही क्या आ जाएगा 300 बन जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर 101 से 200 तक और 201 से 300 तक जो गिनती है, इसको कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।